नमस्कार, महोबा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमित तिवारी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। महोबा शहर में प्रदेश सरकार की पहल पर जिला महिला अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और आज जिले के प्रभारी मंत्री जीएस धर्मेश द्वारा फीता काटकर जिला महिला अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और जल्द ही यहां पर महिला मरीजों को उपचार मिलने लगेगा। आपको बता दें कि 7,36,00,000 की लागत से शहर में UPPCL यूनिट 13 इकाई द्वारा जिला महिला अस्पताल का निर्माण कराया गया है। उक्त महिला अस्पताल में 45 शैया का बनाया गया है। सभी संस्थानों से इसे बनाया गया है जिससे कि अब महिलाओं को इलाज के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में जिला पुरुष और महिला अस्पताल एक ही बिल्डिंग में संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है जिससे कि मरीजों को परेशान होना पड़ता था। सरकार द्वारा समस्या को देखते हुए अलग महिला अस्पताल बनाने की कवायद तेज की गई और 16 महीने में सभी व्यवस्थाओं से लबरेज महिला अस्पताल का आज उद्घाटन हो गया है और जल्द ही यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ जारी की जाएंगी। का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और ये जब ये बन रहा था उस समय भी मैं इसके लिए निरीक्षण के लिए आया था और आज आप सबने देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा अस्पताल बना है और लगभग 7,39,00,000 रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है और इसका जो टोटल जो एरिया है लगभग 2,370 स्क्वायर मीटर के अंदर इसका निर्माण हुआ है जिसमें फीमेल हॉस्पिटल भी है, रेन बसेरा भी है बगल में और ये बाउंड्री वॉल 190 मीटर बाउंड्री वॉल और इसमें लगभग 45 बेड का ये अस्पताल है। कितने चिकित्सक यहाँ पदस्थ हो गए?
महिला चिकित्सक कितने आ जाएंगे? आज उद्घाटन आ जाएंगे, पूरा स्टाफ भी आएगा। जो यहाँ जिला चिकित्सालय बहुत अभाव है, जिला शायद डॉक्टर भी जब बना है तो डॉक्टर भी आएंगे, बगैर डॉक्टर के थोड़ी हॉस्पिटल चलेगा। बने हुए 20 साल हो गए। आपने मेरी बात सुनी नहीं, पूरा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। नहीं, क्वेश्चन करना शुरू नहीं किया, पिछली बार भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। क्या यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, तो आपने आश्वासन दिया था कि स्टाफ का निश्चित तौर पर NICU यहाँ बंद होने की स्थिति में है, जो बच्चों का NICU है वो बंद होने की स्थिति में। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज ही बोल रहा हूँ, यहाँ से जो डिमांड गई थी शासन को, वो डिमांड मेरे द्वारा और यहाँ के प्रशासन के द्वारा शासन को जा चुकी है। और ये बीच में ये कोविड आ गया, कोविड-19 की वजह से, ये वायरस की वजह से इसमें थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ है। और जितना भी स्टाफ है जिला अस्पताल के अंदर और इस जिला महिला चिकित्सालय में, जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी वो तो ऑटोमेटिकली है सरकार की तरफ से नियुक्त होना ही है। सर, जिस तरीके से 27 के सापेक्ष जो 4 लोगों की नियुक्ति है जिला अस्पताल, मैंने बताया ना उसको, बीच में कोविड की वजह से ये सब जो अव्यवस्था हुई है, और शीघ्र ही जो पूरा स्टाफ से यहाँ पर होगा, मैंने भी और प्रशासन के द्वारा, मेरा जवाब तो सुनते नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। प्रशासन के द्वारा भेजी गई, जिला अस्पताल के द्वारा जो CMO है उनके द्वारा जो डिमांड भेजी गई थी, और वो मेरी संज्ञान में है, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की डिमांड दे दी है, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था बनी है, लेकिन जैसे ये खत्म होगा, जैसे जिला अस्पताल में जितने डॉक्टर्स की कमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा, और यहाँ पर भी जितने डॉक्टर्स की या लेडी डॉक्टर की आवश्यकता होगी वो यहाँ भी डिप्यूट होंगे। सर, एक प्राइवेट संस्था द्वारा LT में कुछ कार्रवाई लगे गए थे तो उनको भी निकाल दिया गया है कोरोना? नहीं, ये विषय अलग है, सरकारें आई और गई, आश्वासन ही मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलते जिला अस्पताल में? नहीं नहीं मिलेंगे डॉक्टर, ये सरकार में और पहले की सरकार में बहुत फर्क है। स्थानीय विधायक, जिले के दोनों विधायक आपके कार्यक्रम से ज्यादातर नजारा रहते हैं, ऐसा क्यों? अब ये तो आप उन्हीं से पूछना। नहीं, सदर विधायक वजह रही होगी उनके, देखिए एक सांसद है, उनके पिताजी यहाँ पर हैं, सदर विधायक जी आवास में मौजूद हैं लेकिन कार्यक्रम में नहीं है। और तकलीफ होगी कोई, वो बात हो सकती है कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि बीमार होंगे, लेकिन कोई बात हो सकती है। मैंने फोन मिलाया उनको लेकिन फोन उठा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाए कि उनको इसमें कोई अस्वीकृति है उनकी। या वो पार्टी में कुछ अंतर्कलह चल रही है? नहीं नहीं, कोई अंतर्कलह नहीं है, सबसे पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके अंदर कोई अंतर्कलह। आम जनमानस में तो यही मैसेज जा रहा है कि दोनों विधायक जो है आपके कार्यक्रम से नजर से आपकी दूरी बना के रखते हैं। ये आपका जो सोच हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद या किसी के अंदर नहीं है, और पार्टी में किसी प्रकार का कोई भी अंतर गलत है। आपके विधायक आपके कार्यक्रमों को बहिष्कार करते हो? नहीं, बहिष्कार शब्द ये गलत है, बहिष्कार नहीं किया है। जाए पहले भी कई, मैं मेरा आना हुआ यहाँ पर, अपने जो सरकारी के विधायक थे वो उसमें बैठक में रहे थे, राकेश गोस्वामी जी रहे थे, बीच में वो अस्वस्थ थे, तो ऐसा नहीं है पार्टी के अंदर या कोई किसी प्रकार का मतभेद मतलब नहीं है।